नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज हम एक योग जिसका नाम है गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष पर चर्चा करेंगे। जब गुरु और राहु एक साथ एक ही घर में होते हैं जन्म कुंडली के, तो यह दोष बनता है। ऐसा नहीं है कि हर बार गुरु चांडाल दोष बुरे प्रभाव करता है। इसमें हमको ये समझना बहुत जरूरी है, गुरु कब कमजोर होते हैं और राहु कब कमजोर होते हैं। जब गुरु मिथुन, कन्या, तुला, वृषभ और मकर राशि में होते हैं, तो शत्रु राशि और नीच राशि होने के कारण गुरु को कमजोर समझा जाता है। इन्हीं राशियों में राहु मित्र राशि या स्व राशियों में या उच्च राशियों में होते हैं, इसलिए राहु अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। राहु धूर्तता के, चालाकियों के, तिकड़म के, बदमाशियों के कंट्रोलर हैं। गुरु अध्यात्म के, ज्ञान के, समझदारी के कंट्रोलर हैं। जब गुरु कम पड़ते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, तो राहु की चलती है और राहु गुरु की शुभता को खत्म करके, प्रभावित करके अपना प्रभाव बढ़ा देता है और अपनी ही चलाता है। ऐसी स्थिति में आदमी चालाकियां और धूर्तता करता है, बदमाशियां करता है, पाप के प्रभाव में आ जाता है और उससे बहुत सी गलतियां होती हैं। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि गुरु और राहु एक साथ होंगे तो यह फल होगा। अगर गुरु अच्छी राशि में है, जैसे स्वर्ग राशि में है, मित्र राशियों में है, अपनी उच्च राशि में है, तो राहु के साथ होने पर बहुधा उल्टा प्रभाव होता है कि गुरु राहु को अपने प्रभाव में लेते हैं और ऐसे जातक बहुत यश, बहुत सम्मान कमाते हैं। मैं कुछ कुंडलियों से आपको ये एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूंगा। एक और बात भी है कि कुछ मत ऐसा कहते हैं कि जब गुरु और राहु एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं, यानी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, इस संयोग से भी गुरु चांडाल दोष बनता है। पर ऐसे दसियों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि दृष्टि योग से बनने वाले गुरु चांडाल योग आम तौर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं करते हैं, या होता भी है तो वो नगण्य है। तो अब हम एग्जाम्पल्स में इसको समझेंगे कि गुरु चांडाल दोष कैसे बनता है और उसका प्रभाव क्या होता है। इस समय आप श्री राधा कृष्णन मेनन की कुंडली देख रहे हैं, तो इसमें गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु गुरु को अपनी पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर दृष्टि योग से समझें तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इन्होंने कितना यश और सम्मान प्राप्त किया। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ये श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की कुंडली है। अगर हम देखेंगे तो यहां राहु अपनी पांचवीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं और गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। इन पर भी गुरु चांडाल योग का कोई प्रभाव नहीं हुआ और इन्होंने भी बहुत यश हासिल करा। ये हमारे एक प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कुंडली है। यहां पर भी गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु अपनी पांचवीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। ये एक और कुंडली है श्री लाल बहादुर शास्त्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की। इनकी कुंडली में भी गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु अपनी नौवीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। इन सभी ने बहुत यश, बहुत सम्मान प्राप्त करा और किसी को भी गुरु चांडाल दोष का कोई विशेष दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। यह कुंडली लोकमान्य तिलक की कुंडली है। इस कुंडली में गुरु और राहु दोनों एक ही स्थान पर हैं, इसलिए गुरु चांडाल दोष बन गया। पर क्योंकि गुरु यहां पर अपनी मीन राशि, अपनी स्व राशि में है, अतः ये दोष कोई विशेष प्रभाव नहीं करेगा। उल्टा गुरु और राहु के एक साथ होने से राहु अपना अच्छा प्रभाव करेगा, राजनीति में बहुत अधिक यश और सम्मान देगा। यही गुरु अगर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या, तुला या मकर राशि में होता तो बहुत अधिक दुष्प्रभाव देता। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो जातक को उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए
हमें राहु की शांति के लिए। सरसों का तेल दान में देना चाहिए। सीसा एक धातु होती है लेड, वो दान में देना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। कंबल, काला तिल, नीले कपड़े आदि दान में देने चाहिए। इससे राहु को शांत किया जा सकता है। और गुरु को बल प्रदान करने के लिए गुरु के कुछ दान हैं जो देने चाहिए। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे गुरु को बल प्राप्त होता है। अगर गुरु की कुंडली में स्थितियां ठीक हैं तो पुखराज भी धारण किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का विषय आप समझ गए होंगे। इसी तरह के और रोचक विषयों पर चर्चा के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको ये जानकारियां जल्दी से जल्दी मिलें और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।